हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला। आई एम सोनू। दोस्तों, क्रिस्टोफर नॉलन का मोमेंटो नाम का फिल्म मुझे बहुत पहले से देखने का मन था, लेकिन कभी देख नहीं पाया था। आज फाइनली बैठकर देखा मैंने। एंड लेट मी टेल यू व्हाट, अगर आपको आपके ब्रेन का एक्सरसाइज करना है ना, तो चुपचाप क्रिस्टोफर नॉलन का मोमेंटो देखो यार। परफेक्ट एक्सरसाइज फॉर योर ब्रेन, परफेक्ट एक्सरसाइज। व्हाट ब्रिलियंट फिल्म यार, एंड ब्रिलियंट बिकॉज ऑफ टू रीजंस, द स्क्रीन प्ले एंड द एडिटिंग। ऑब्वियसली द जीनियस ऑफ क्रिस्टोफर नॉलन जस्ट शाइन्स थ्रू आउट मोमेंटो। दोस्तों, मोमेंटो से थोड़ा बहुत इंस्पायर्ड था गजनी, जो कॉन्सेप्ट था वहां से लिया था गजनी, मुरगडो साहब का फिल्म स्टारिंग आमिर खान। ऑब्वियसली गजनी वॉज अ टोटल मसाला फिल्म। मैं रीमेक्स को कभी सपोर्ट नहीं करता हूँ, इंस्पिरेशंस को भी उतना सपोर्ट नहीं करता हूँ, बट या गजनी वॉज अ मसाला फिल्म। अगर आप मसाला एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपको मोमेंटो में मजा नहीं आएगा। बट अगर आपको ऐसा एक फिल्म देखना है विच विल मेक यू थिंक थिंक एंड थिंक टिल द वेरी एंड, विच विल कीप योर ब्रेन एब्सोल्यूटली एंगेज फॉर अ गुड 2 आवर्स, तो मोमेंटो बैठ के देखो यार। दोस्तों, जैसे मैंने कहा, द स्टार ऑफ मोमेंटो इज एक्चुअली इट्स स्क्रीन प्ले फॉलोड बाई एडिटिंग। पहले स्क्रीन प्ले के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, स्क्रीन प्ले में दो चीज आपको दिखाई देगा, दो सीक्वेंसेस ऑफ स्टोरी टेलिंग। वन इज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ स्टोरी टेलिंग एंड द अदर वन इज द रिवर्स क्रोनोलॉजी। इसको मैं एक्सप्लेन करता ताकि आप लोग समझ जाए कि एग्जैक्टली क्या होता है फिल्म में, क्योंकि अगर आप लोग आपको वो सीक्वेंसिंग अगर समझ में नहीं आता है ना, द फिल्म विल बी एक्सट्रीमली कंफ्यूजिंग और आप बंद करके निकल जाओगे। लेकिन वंस यू अंडरस्टैंड द सीक्वेंसिंग, यू विल मार्वल एट द ब्रिलियंस ऑफ क्रिस्टोफर नॉलन। दोस्तों, आप समझ लो कि 10 नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंड एवरी नंबर इज एक्चुअली अ सीन। दैट इज, नंबर वन इज द फर्स्ट सीन, नंबर टू इज द सेकेंड सीन, नंबर थ्री इज द थर्ड सीन, सो एन एंड सो फोर्थ, एंड नंबर 10 इज द 10th सीन विच इज द फाइनल सीन। तो फिल्म में रिवर्स क्रोनोलॉजी यूज किया है, जिसमें द फर्स्ट सीन इज एक्चुअली नंबर 10, यानी द 10th सीन इज द फर्स्ट सीन। उसके बाद द सेकेंड सीन इज द नंबर वन सीन, यानी द फर्स्ट वन वन जो है, नंबर वन का जो सीन है वो सेकेंड पोजिशन पे आता है। एंड देन उसके बाद 9th सीन बिकम्स द थर्ड सीन, उसके बाद द सेकेंड सीन बिकम्स द फोर्थ सीन। दिस इज हाउ द फिल्म गोस। इतना कंफ्यूजन क्रिएट करता है, बट दैट कंफ्यूजन में भी जो मजा है ना देखने के लिए दोस्तों, ब्रिलियंट। दिस इज वॉट यू कॉल नॉन लीनियर नैरेटिव, नॉन लीनियर स्ट्रक्चर। ये जो नॉन लीनियर स्ट्रक्चर इसलिए इसलिए नॉलन ने यूज किया क्योंकि जो मेन कैरेक्टर है दैट ऑफ गाय पियर्स, ही इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम शॉर्ट टर्म मेमरी लॉस। मतलब न्यू मेमरीज रिटेन नहीं होता, यू कैन ओनली रिमेंबर समथिंग फॉर 5 to 10 minutes एंड देन उसके बाद सब कुछ ठप। तो फिल्म में एज एन ऑडियंस वेन यू स्टार्ट वॉचिंग दिस नॉन लीनियर स्ट्रक्चर वेर द 10th सीन इज शोन फर्स्ट एंड देन द फर्स्ट फर्स्ट सीन बिकम्स द सेकंड सीन, द 9th सीन बिकम्स द थर्ड सीन, द सेकंड सीन बिकम्स द फोर्थ सीन, तो एज एन ऑडियंस यू ऑल्सो स्टार्ट फॉरगेटिंग वॉट डिड यू सी फर्स्ट, उसका प्लेसमेंट का है, ये सेकंड सीन कहाँ फिट होता है, ये थर्ड सीन कहाँ से आ गया, इसके पहले क्या देखा था, इसके बाद क्या आ रहा है, आप भूल जाओगे। तो ये नॉन लीनियर स्ट्रक्चर वर्क्स ब्रिलियंटली, एंड द ब्रिलियंस ऑफ नॉलन इज दैट जो रिवर्स क्रोनोलॉजी उन्होंने दिखाया वो उन्होंने कलर में दिखाया, और जो नॉर्मल क्रोनोलॉजी दिखाया वो उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाया। एंड फाइनली द क्लाइमैक्स इज वेयर द ब्लैक एंड व्हाइट इंटरसेक्ट्स विद द कलर, एंड दैट हैपेंस समवेयर इन बिटवीन। अगर मतलब 1 to 10 का जो नंबरिंग मैंने बताया उसमें नंबर 5 इज द पोजिशन वेयर द रिवर्स क्रोनोलॉजी मीट्स द नॉर्मल क्रोनोलॉजी, एंड नंबर 5 बिकम्स द क्लाइमैक्स एंड नॉट नंबर 10। ब्रिलियंट दोस्तों, स्क्रीन प्ले ब्लडी ब्रिलियंट, एडिटिंग ब्लडी ब्रिलियंट, एक्टिंग सुपर्ब, गाय पियर्स इन द लीड रोल एज द मैन हु इज सफरिंग फ्रॉम शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, हु सीज हिज वाइफ गेटिंग रेप्ड एंड मर्डर्ड, एंड देन ही इज आउट टू फाइंड द किलर। इट ऑल्सो वर्क्स एज अ मिस्ट्री बिकॉज यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट, he is trying to find out the killer and you as an audience is trying to find out whether he is doing the right thing or not, and who is Teddy played by Joseph Peter, excellent acting, and then there is Anne Moss, Matrix wali Trinity, superb acting, acting bloody brilliant, but for me it is the screenplay। दोस्तों, अगर जो chronology मैंने आपको समझा ये आप समझ जाओगे और film देखोगे ना, you will start enjoying the brilliant screenplay, obviously directed by this brilliant master director, my favorite Christopher Nolan। Superb cinema, 2000 में आया था, मेरे library list में था, आज बैठ के देखा, enjoyed it। आपके list में है तो देख लेना, मुझे पता नहीं ये कौन से OTT पर available होगा, लेकिन जिधर किधर जहां कहीं पर भी आपको देखने मिलेगा देखना, एंजॉय करना, और तब आपको समझ में आएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ब्रिलियंट माइंड बॉगलिंग स्क्रीन प्ले एंड अ मसाला स्क्रीन प्ले विच इज ऑब्वियसली गजनी, विच इज नथिंग बट अ चीप रीमेक, अ चीप इंस्पिरेशन। बट फॉरगेट दैट, जस्ट वॉच क्रिस्टोफर नॉलन्स मोमेंटो, यू विल एब्सोल्युटली लव इट। फॉर द मोमेंट सोनू सेज
टाटा।